हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस, फाइनली एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तारापुर महाराष्ट्र साइट की तरफ से वैकेंसी को ओपन किया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी जहां पे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटशिप की वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया था, तो काफी लोग उदास हुए अप्रेंटशिप देख के कि सर अप्रेंटशिप की वैकेंसी है। तो चलो, फाइनली आप लोगों की परमानेंट भर्ती आ गई है। लेकिन ओनली भर्ती से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा। बिकॉज जितनी भी एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है, चाहे वह NPCIL हो, NFCO, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, बहुत ही कमाल का होता है यदि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो। तो यहां पर क्या है, आप लोगों का जो एडवांस टेस्ट है उसमें टोटल टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह सबसे ज्यादा अच्छी बात है। बिकॉज टेक्निकल नॉलेज के आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग देख सकते हो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पे आप लोगों को मिल जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम तारापुर महाराष्ट्र की साइट से ये वैकेंसी को ओपन किया गया है। यहां पर यदि हम लोग ओपनिंग डेट की बात करें, 8 फरवरी 2023 यानी कि कल की डेट से आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट आप लोगों की 28 फरवरी 2023 रखी गई है। अब यहां पे थोड़ा सा गाइस समझिएगा, मैं यहां पे क्यों बार बार आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्वेश्चन का लेवल है, वो एज इट इज आप लोगों का सेम रहता है। वहां पे टेक्निकल क्वेश्चन भी इतने एडवांस लेवल के आप लोगों से नहीं पूछे जाते। यदि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर है तो डेफिनेटली एक हाई मार्क्स आप लोग लेकर आ सकते हो। लेकिन वहीं पर इसकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है, बिकॉज क्वेश्चन लेवल काफी ज्यादा इजी रहता है। तो यहां पर चांसेस काफी ज्यादा बन जाएगा यदि आप लोगों का बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अब यहां पर हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो सबसे पहली पोस्ट नर्स की है, मेल एवं फीमेल दोनों के लिए है। टोटल 25 पोस्ट को ओपन किया गया है। उसके अलावा फार्मासिस्ट बी की यहां पे 4 पोस्ट को ओपन किया गया, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट को ओपन किया गया, स्टिपेंडी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट को ओपन किया गया है, एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पोस्ट को ओपन किया गया है। उसके अलावा स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की यहां पे 34 पोस्ट को ओपन किया गया है। अब यहां पे गाइस स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन मेंटेनर्स कैटेगरी सेकंड की यदि हम लोग बात करें, जहां पर आईटी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उसमें ट्रेड वाइज यदि हम लोग वैकेंसी को देखते हैं तो सबसे टॉप पर मिल जाता है हम लोगों को फिटर ट्रेड, जिसमें यहां पे 34 पोस्ट को ओपन किया गया है। तो यहां पे 34 पोस्ट गाइस कम नहीं है, 34 पोस्ट बहुत होती है यदि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके अलावा टर्नर की यहां पे 4 पोस्ट को ओपन किया गया है, इलेक्ट्रीशियन की 26 पोस्ट को ओपन किया गया है, वेल्डर की 15 पोस्ट को ओपन किया गया है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की यहां पे 3 पोस्ट को ओपन किया गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 11 पोस्ट को ओपन किया गया है, मशीनिस्ट की यहां पे 4 पोस्ट को ओपन किया गया, वायरमैन की यहां पे 10 पोस्ट को ओपन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहां पे 11 पोस्ट को ओपन किया गया है, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की यहां पे 2 पोस्ट को ओपन किया गया है, साथ ही साथ कारपेंटर की 2 पोस्ट है यहां पे, प्लंबर की 1 पोस्ट है, मेसन की 1 पोस्ट है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड में लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसी है, यानी कि कुछ ना कुछ वैकेंसी इन्होंने दी है, यानी कि टोटल जो पोस्ट है वह टोटल 158 पोस्ट है, अलग अलग ट्रेड में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब यहां पे थोड़ा सा गाइस समझिएगा, यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर हम लोग अदर चीजों की यहां पे बात करें, उससे पहले सबसे पहले हम लोग एज लिमिट यहां पे देख लेते हैं। यदि गाइस हम लोग एज लिमिट यहां पे देखें तो एज लिमिट थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे डिसिप्लिन वाइज दिखाया गया कि फिटर ट्रेड वाले ओनली फिटर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन में। तो यह चीज भी आप लोग देख सकते हो। तो जो ट्रेड से आप लोगों ने ITI करी है और उसमें यदि आप लोगों ने वैकेंसी है तो आप वहां पे अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहां पे गाइस एज लिमिट एंड यहां पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट नर्स की है, जिसमें आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है 18-30 ईयर। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को यहां पे कुछ ना कुछ छूट, आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की, यहां पे भी जो आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है वह 18-30 ईयर रखी गई है, आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ यदि हम लोग पे स्केल की बात करें तो यहां पे गाइस समझिएगा, 7th पे लेवल के अकॉर्डिंग इनने जो सैलरी बताई है वह 44,900 रुपीस किसकी बनेगी, नर्स पोस्ट के लिए। यदि हम लोग पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की बात करें 35,400 रुपीस के आसपास आप लोगों की सैलरी बन रही होगी। उसके अलावा यदि हम लोग फार्मासिस्ट बी की बात करें, यहां पर एज लिमिट आप लोगों की 18-25 ईयर रखी गई है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहां पर आप लोगों का प्रारंभिक वेतन जो रहने वाला है 29,000
1200 रुपीस के आसपास जो है रहने वाला है। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग बात करें स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर की, तो यहां पे जो एज लिमिट रखी गई है 18-24 ईयर रखी गई है। एंड यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, इन्होंने क्लियर किया है कि लेवल 3 का आप लोगों का पे स्केल रहेगा जिसमें 21,700 रुपीस स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें आप लोगों की सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग पीरियड रहता है 2 साल का, उसके बाद में आप लोग रेगुलर पोस्ट के लिए जो है लागू होते हैं। देन वहां पे आप लोगों का जो भी पे स्केल वगैरह वो आप लोगों का लागू होगा। साथ ही साथ स्टिपेंडी ट्रेनी मेंटेनर का भी सिमिलर चीज है, यानी कि 18-24 ईयर आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यदि आप लोग एससी एवं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोगों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पे मिल रहा होगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा सा एज लिमिट ये लोग जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं एज लिमिट आप लोगों की थोड़ा सा कम रखते हैं। बाकी यदि आप लोग कैटेगरी से हो तो आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलकर एज लिमिट काफी हो जाती है, तो कोई इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट यदि बात करें स्टिपेंडी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की, यहां पर भी जो एज लिमिट है 18-24 ईयर आप लोगों की रखी गई है। लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है। स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वे 29,200 रुपीस के आसपास आप लोगों की रहने वाली है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए इनमें 2 साल की आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद में जो आप लोगों की सैलरी पैकेज होगा उसको दिखाया गया है। अब ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ रहने वाला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम एज लिमिट में क्या कुछ रिलैक्सेशन इनकी तरफ से दिया जा रहा है। यदि आप लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोगों को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि वो ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 13 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने दिखाया गया। बाकी जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहां पे डिटेल दी गई है, तो वो लोग भी यहां पे देख सकते हैं। बाकी यदि हम लोग बात करें कुछ अदर चीजों की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड क्या क्या होगा आप लोगों का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की बात करें या मेंटेनर यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, दोनों में आप लोगों का मिनिमम वेट जो होना चाहिए वह 45.5 केजी होना चाहिए। उसके अलावा यदि हम लोग हाइट की बात करें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, यहां पे कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है बिकॉज टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इतना ज्यादा फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती है। वाद अब आप लोगों की हाइट में थोड़ा बहुत कमी है, फिर भी आप लोगों को अप्लाई करना है, प्रिपरेशन करना है, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहां पे आप लोग बेफिक्र रहिएगा बिकॉज आप लोगों को टेक्नीशियन हो, आप लोगों को मशीन पर काम करना है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग बात करें यहां पे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया है कि किस पोस्ट के लिए कहां पे क्या पोस्ट है, तो उसके बारे में यहां पे देख सकते हो आप लोग, सारी डिटेल्स दी गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। अब थोड़ा सा गाइस हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यदि नर्स पोस्ट की हम लोग बात करें, यहां पे 12 एवं नर्सरी एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा यदि 3 वर्ष पाठ्यक्रम किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, नर्सरी प्रमाण पत्र है 3 वर्ष का अनुभव है वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे लोग यहां पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की यदि हम लोग बात करें, बीएससी 50% के साथ एवं 60% के साथ 1 ईयर का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ में डिप्लोमा है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे। फार्मासिस्ट बी में भी आप लोग देख सकते हो। गाइस यदि नेक्स्ट पोस्ट की बात करें स्टिपेंडी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स की बात करें, यहाँ पे एचएससी विज्ञान के साथ में 60% अंक तथा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक का डिप्लोमा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर भी सेम थिंग, आप लोगों का 10+2 विज्ञान के साथ में 60% अंक होना चाहिए, साथ साथ में 1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे तकनीशियन ट्रेड प्रमाण पत्र यदि आपके पास में, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अनुभव आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात 2 साल का अनुभव यहां पे मांगा गया है, एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। उसके अलावा यदि हम लोग प्लांट ऑपरेटर की बात करें स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड में, तो यहां पे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी। यहां पे 10+2 अथवा आईएससी विज्ञान शाखा यानी कि भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ न्यूनतम 50% कुल मिलाकर अंक होना चाहिए, यानी कि ऑल
ओवर जो आप लोगों की परसेंटेज है उसमें 50% मार्क्स यदि हैं 10+2 में तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सेल हब इंग्लिश एज वन ऑफ द एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश आप लोगों का होना जरूरी है एसएससी में यानी कि 10th में। उसके अलावा एचएससी यानी कि 12th में 10+2 में आप लोगों का भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ में न्यूनतम 50% अंक होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की बात करें जिसमें आईटीआई स्टूडेंट्स की हम लोग मेनली बात करें तो यहां पे समझ लीजिएगा सबसे पहले 10th क्लास में आप लोगों की 50% अंक होना बेहद जरूरी है। अब यहां पे क्या आप लोगों का ओनली साइंस सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट में बोला है तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। इन्होंने क्लियर किया है एसएससी विथ मिनिमम 50% इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 ईयर आईटीआई सर्टिफिकेट एंड रिलेवेंट ट्रेड। यानी कि यहां पर आप लोगों से गाइस टोटल परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, आप लोगों का मैथ एवं विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है 10th क्लास में उसमें 50% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। क्लियर है? ओनली दो सब्जेक्ट में यदि आपके 50% मार्क्स हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ आप लोगों के पास में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ट्रेड में आप लोगों की वैकेंसी है। यदि उस ट्रेड से आप लोगों ने आईटीआई किया है तो आप यहां पे गाइस एलिजिबल हो और आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ आगे हम लोग और देख रहे होंगे सारी चीजों को। अभी देखो गाइस यदि हम लोग आगे बात करें ऑन फॉर स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड यानी कि जो भी आईटीआई स्टूडेंट्स हैं या फिर प्लांट ऑपरेटर में आप लोग अप्लाई कर रहे हो उनके लिए यहां पे बॉन्ड सिस्टम है। बाय द वे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो ये लोग 5 ईयर का बॉन्ड सिस्टम रखते हैं। बॉन्ड एग्रीमेंट पर आप लोगों को साइन करना पड़ेगा कि मिनिमम 5 ईयर सर्विस आप लोग न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दे रहे होंगे। बाय द वे आप नहीं देते हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आप लोगों को पे करना होगा जो कि आप लोग यहां पे देख रहे हो। अब यदि हम लोग बात करें ट्रेनिंग के बारे में तो आप लोगों की 24 मंथ यानी कि 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 20,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, उसके सेकंड ईयर में आप लोगों को 22,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। उसके अलावा जो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों का जो पे स्केल है उसके हिसाब से आप लोगों को पे किया जाएगा, आप लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब गाइस हम लोग समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बिकॉज ये बेहद जरूरी है, इसके बिना आप लोगों का काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पद का नाम मिल जाता है नेम ऑफ द पोस्ट जिसमें चाहे आप लोगों की नर्स हो या फिर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर आप लोगों की स्टिपेंडी ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो या स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन मेंटेनर यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स हो, इन सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है उसमें आप लोगों का सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। तो जो स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा वो डेफिनेटली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल मेरिट आप लोगों की डिपेंड करती है वो आप लोगों के रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे जो आप लोगों का रिटन एग्जाम है वह 2 स्टेज में रखा जाता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। तो दोनों स्टेज में क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है जब ही आप लोग फाइनल सिलेक्शन के काबिल माने जाओगे, तो यह चीज क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो यहां पे रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या फिर ओएमआर बेस्ड हो सकता है। यहां पे क्लियर करी है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई एट ईच स्टेज ऑफ प्रेस्क्राइब्ड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फाइनल इंप्लीमेंटेशन। तो यहां पे क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों का अंतिम पैनल में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया का प्रत्येक चरण को उत्तीर्ण करना बेहद जरूरी है। यदि आप लोग किसी एक स्टेज में फेल हो जाते हो तो आप लोगों को फाइनल स्टेज के लिए कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। यह चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं आईटी स्टूडेंट्स के लिए कि क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितने स्टेज में आप लोगों का पेपर होगा, तो उसको थोड़ा सा क्विकली हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए 2 स्टेज में आप लोगों का पेपर होगा। स्टेज फर्स्ट होगा प्रारंभिक परीक्षा जो जिसमें आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे और वो 50 क्वेश्चन कहां से लिए जाएंगे, मैथमेटिक्स के यहां पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर आप लोगों को 3 मार्क्स दिया जा रहा होगा। यदि आप लोग इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आप लोगों का 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो यह चीज क्लियर होना चाहिए। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहना है। तो यहां पर आप लोगों को हाईएस्ट स्कोर अचीव नहीं करना है, इसको आप लोगों को क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाई करने के लिए यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 40% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग
बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 30% अंक जो है लेकर आने पड़ेंगे। बाकी उसके अलावा आप लोगों का एडवांस परीक्षा होगा, जिस एडवांस परीक्षा में आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। यहां पर भी सेम आप लोगों का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, तो हाईएस्ट स्कोर जो आप लोगों को लेकर आना है वो एडवांस टेस्ट में फोड़ के आना है, बिकॉज यही वो स्टेज है जहां से आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है यहां पे, तो आई थिंक ये सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए गए हैं, चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, तो वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।